हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। बहुत ही अच्छा वाला मौसम किया हुआ है तो मैंने सोचा अभी से मैं ब्लॉग बना लूँ। मैं 2-3 दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि क्या हो रहा था ना, मैं किसी किसी कामों में बिज़ी हो जा रही थी तो ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। इधर थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा सा तबीयत सुस्त लग रही थी इसकी वजह से। और मैं आपको अभी वेदर का हाल दिखाती हूँ। इतना सुंदर है, इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद जब बारिश होती है ना तो मत पूछिए कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए, चलिए देखिए आप भी। इतना सुंदर लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी ज़्यादा गर्मी, उसके बाद मैं सोच रही थी डेली माँ को फ़ोन करती थी, वो बोलती थी इतनी बारिश है कि यहाँ कपड़े नहीं सूख रहे, गेहूँ नहीं सूख रहा। तो मैं यही सोचती थी कि हे भगवान, काश यहाँ भी बारिश होती, थोड़ा मौसम ठंडा वाला होता। एसी चला चला करके कितना देर तक आप बैठ सकते हैं, तो काम करने में भी मन नहीं लगता था। मतलब होता है ना, ब्लॉग इसी की वजह से नहीं आ रही थी कि बस मैं किसी तरह खाना बना करके किचन से निकलना चाहती थी, एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं हो रहे थे। तो बस देखिए, तो भगवान ने हमारी सुन ली और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा, एकदम हल्की हल्की हवा चल रही है और बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से बेड से बैठ करके ही आप बारिश का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। आप किसी भी रूम में रहें, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, सेकेंड वाले रूम में जिसमें माँ बाबू जी रहते थे, सभी का व्यू बहुत अच्छा है। देखिए मैं अभी अपने बेड पे बैठी हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसा दिखता है। और यहाँ से मैंने पौधे भी हटा दिए, चूँकि एसी का जो ज़्यादा अभी एसी चला रहे हैं हम, तो उसकी गर्म हवा जो जा रही थी ना, पौधे हल्के मुझे लग रहा था कि जल्दी सूख जा रहे हैं और ख़राब हो रहे थे। तो मैंने क्या किया कि उसको ड्राइंग रूम वाले बालकनी में ही जा कर के इकट्ठे रख दिया, ताकि सभी के साथ पानी भी लोग दे दें। कभी कभी यहाँ पर पानी छूट जाता था। तो देखिए चलिए मैं, तो फ्रेंड्स देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 8 और ये डाइनिंग टेबल पे मैंने 2 डब्बे को धो करके रखा था। तो जैसे ही मेरी कोई भी चीज़ें ख़त्म होती है, मैं डब्बा को साथ के साथ धुलती हूँ, क्योंकि इस तरीके से डब्बा जमा नहीं होता, गंदा नहीं होता और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए, आज हम सबों को बहुत क्रेविंग हो रही थी कि बाहर से कुछ खाने का, तो बाहर नहीं गए, घर पे ही मंगवा लिया। सोसाइटी के ही ये हब जो है ना, वहीं पे एक रेस्टोरेंट नहीं खुली है, तो हमने आज तक मंगवाया नहीं था उससे। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ एक बार मंगवा करके, तो ठीक ठाक लगा। शायद नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ये ज़्यादा बेटर रखते होंगे, हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। तो हम लोगों ने मंगाया था आज नूडल्स और पनीर चिल्ली और मलाई सोया चाप, तो बहुत स्वादिष्ट तो नहीं लगा जिस तरह से प्राइस उन्होंने लिया था, बट ठीक ठाक खा लिया हम लोगों ने। तो चलिए हम लोग इंजॉय करते हैं, देखिए डिनर करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी अमेजोन से मैंने ये 2 जो है पार्सल रिसीव किया है, तो अभी नहीं रिसीव किया है, 2-4 घंटे हो चुके हैं, इसको बाहर ही छोड़ दिया था। और उसके बाद देखिए ये ट्रांसपेरेंट जो है 6 सीटर डिनर डाइनिंग टेबल का ये टेबल क्लॉथ है, और एक ये कॉटन का भी मैंने मंगवाया, क्योंकि जो मैं थोड़ा सा ना अपने डाइनिंग टेबल को अलग लुक देने के लिए सोचा कि उसको जो है उसका शीशा जो है ना ख़राब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जब बिछा करके और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रख दूँगी ना, तो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा हमारा डाइनिंग टेबल। इसी पर्पज़ के कारण मैंने ये वह मंगवाया है। अब मैं इसको जा रही हूँ बिछाने के लिए, देखती हूँ कि ये उस पर सूट करता है कि नहीं, जो हमारा पर्पज़ है उस पर ये रंग लाता है कि नहीं। मतलब मैं इसको न्यू लुक जो देना चाह रही हूँ वो वाकई में अच्छा लगेगा या नहीं। यदि अच्छा लगा तो मैं सोच रही हूँ कि जो चेयर है ना उसकी भी लुक चेंज करूँगी, उसकी भी कवर मैं मंगवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया एक ही तरह से देखते देखते ना। तो चलिए चलते हैं और अपने डाइनिंग टेबल पर इसको देखती हूँ कवर लगा कर कि कैसा दिखता है। अभी देख लीजिए हमारा जो पहला डाइनिंग टेबल है, इस तरीके से इसका इसकी डिज़ाइन है। इसको ख़रीदे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 4 इयर्स से ऊपर हो गए हैं, 4 इयर्स हो चुके हैं, तो थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसके लुक को
और जब इच्छा होगा तो टेबल कवर हटा दूंगी, तो इस तरीके से हमारा न्यू का न्यू दिखेगा। तो चलिए इसको लगा करके दिखाती हूँ आप। एक और प्रोडक्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने आज रिसीव किया है। तो ये है, आप देख सकते हैं, किंग साइज़ का बेडशीट। आप इसको अमेजोन पे बहुत इजीली देख सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है इस तरीके का बेडशीट। मेरे पास भी ऑलरेडी एक है और ये दूसरा मैंने मंगाया है, चूँकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। तो एक तो मेरे पास पिंक में है और ये मैंने ग्रीन में मंगाया है, डार्क ग्रीन में। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई होप आप सबको भी बहुत पसंद आए। मैं इसकी रियल रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं बहुत दिनों से बिछा रही हूँ, तो वो मुझे पसंद था, इसी की वजह से मैं ये सेकेंड भी मंगवाई हूँ। तो यह आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे साइज़ में पिलो कवर है, और ये देख सकते हैं आप इसकी जो प्रिंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही सॉफ्ट प्योर कॉटन में है। बहुत ही इजीली होम वॉश है, आप मशीन में आराम से वॉश कर सकते हैं, और नॉर्मल आयरन का जो हीट होता है, यदि आप इसको आयरन करना चाहते हैं, ऐसे तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मैं हमेशा झाड़ करके इसको इतने अच्छे से मैं पसारती हूँ धो करके कि मुझे कभी आयरनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दी बेस्ट प्रोडक्ट है ये। मैं आपके साथ इसकी रियल जो पिक्चर है अमेज़ॉन की, वो मैं आपके साथ देखिए यहाँ साइड में मेंशन कर रही हूँ, और इसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। आप चाहे तो इसको अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभी है नेक्स्ट डे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं जब भी अभी चादर नहीं बिछा रही हूँ, क्योंकि आज ही मैंने नहीं सॉरी कल ही मैंने अपना जो चादर है ना उसको चेंज किया था, बेडशीट चेंज किया था इसकी वजह से। तो न्यू जो चादर है उसको मैं उसका रिव्यू जो है उसको जब बिछाऊँगी उसके बाद भी शेयर करूँगी कैसा दिख रहा है मेरे बेड पर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने वीडियो को यही पेंट करती हूँ, चूँकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये देखिए, मैंने अब आज अपने हेयर में ऑयलिंग की हुई है, तो इसलिए ऐसे चिपका चिपका सा दिख रहा है, चूँकि हेड वॉश करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और हाँ, मैं नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको जो आज का कलेक्शन है, जो भी मैंने पार्सल रिसीव की, उसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, मेरी डाइनिंग टेबल की लुक कैसी लग रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय।